सीएम शिवराज ने नहीं, बीजेपी के इस प्रत्याशी ने खर्च किए चुनाव में सबसे ज्यादा रुपए। कांग्रेस में शशांक सक्सेना रहे सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है, तो इसमें खर्च भी खूब हुआ है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महज 11 लाख रुपए चुनाव में खर्च किए हैं, जबकि सीहोर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय खर्च के मामले में अव्वल रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खर्च के मामले में सबसे कम खर्च शिवराज सिंह चौहान ने ही किया है। इधर कांग्रेस प्रत्याशियों के खर्च मामले में भी सीहोर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना ने ही सबसे ज्यादा खर्च किया है। बुधनी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11,34,769 रुपए खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम रस्ताल ने 7,65,457 रुपए, आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी दिनेश आजाद द्वारा 69,900 रुपए, राइट टू रिकॉल पार्टी के धर्मेंद्र सिंह पवार ने 45,150, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रहलाद चौरसिया ने 1,17,650 रुपए, सपा प्रत्याशी महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद ने 88,050, निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रशीद ने 10,385, छोटेलाल ने 17,750, प्रेम नारायण ने 39,050, ब्रजमोहन धुर्वे ने 2,31,135, विजय नंद ने 64,800 और हेमराज पेठारी ने 5,000 रुपए ही खर्च किए हैं। आष्टा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल सिंह इंजीनियर ने 18,29,036 रुपए, कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह चौहान ने 15,73,914, बसपा प्रत्याशी बद्रीलाल कटारिया ने 62,316, निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कुमार ने 31,953, आजाद समाज पार्टी के अजय परमार द्वारा 1,18,726, समता समाधान पार्टी के सुभाष सिसोदिया ने 5,200 रुपए, राष्ट्रीय जन आवास पार्टी के प्रत्याशी कमल सिंह जंगड़ा ने 36,556, सपा प्रत्याशी अंबाराम मालविया ने 1,60,913 और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश चंद्र सूर्यवंशी द्वारा 39,700 रुपए खर्च किए हैं। वहीं सीहोर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय ने 25,13,223, कांग्रेस के शशांक सक्सेना ने 17,67,966, बसपा के कमलेश दोहरे ने 5,55,882, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अकरम खान ने 5,20,704, निर्दलीय मोहम्मद अकरम कुरैशी ने 60,350, राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी के प्रत्याशी अनुपमा तिवारी ने 47,950 और निर्दलीय आकाश शर्मा द्वारा 1,02,950 रुपए खर्च किए गए। छावर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह वर्मा द्वारा 19,35,306 रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी 11,64,060, आजाद समाज पार्टी की जितेंद्र तमेलिया ने 3,47,926, बसपा के हरिप्रसाद ने 84,200 रुपए, अजब सिंह मेवाड़ा ने 2,09,647, मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी धूल सिंह ने 10,200, गुरप्रीत सिंह गांधी ने 10,200, जैन सिंह ने 4,11,500, दौलत सिंह ने 56,400, मोहन सिंह ने 30,100 और रमेश बारेला ने 84,000 रुपए खर्च किए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।